हेलो गाइस हाउ आर यू ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे सेफ होंगे तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंपाउंड वर्ड्स वेरी डिफरेंट फीचर्स ऑफ लैंग्वेज जी हाँ आज हम लर्न करने जा रहे हैं कंपाउंड वर्ड तो कंपाउंड सुनने से तो आपके तो कहीं सुना सुना सा तो लग ही रहा होगा जी हाँ हम इस हम कंपाउंड वर्ड ज़्यादा हम सुनते थे साइंस के लैंग्वेज में तो कंपाउंड मतलब होता क्या है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट ओके तो कंपाउंड का मतलब होता है जस्ट द मिक्सचर ऑफ़ टू और मोर एलिमेंट तो उसी तरह कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं You can join two small words to form a bigger meaningful word. Such words are called compound words. Okay? to तो compound words ऐसे words होते हैं जो कि different word होते हैं और different meaning के भी होते हैं। But जब वो दोनों combine होते हैं, तो वो एक new meaning उसका निकलता है। Like समझ लीजिए Uh, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सन ओके okay? तो सन का मीनिंग आप जानते हो कि सन मीन्स जो सूरज होता है उसके बाद यहाँ पे हुआ फ्लावर फ्लावर मतलब फूल ओके okay? तो इन दोनों का जो है इन दोनों के डिफरेंट वर्ड्स हैं और इन दोनों के डिफरेंट भी मीनिंग है पर जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको सन फ्लावर तो क्या बना हम लोग का ये एक आपका एक टोटल न्यू वर्ड बना जिसका न्यू मीनिंग भी निकला तो सन है सूरज फ्लावर है फूल और सन फ्लावर एक फ्लावर का नाम बन जाता है लाइक सूरजमुखी जो फूल होते हैं येलो कलर के स्पेशली वो जो अभी स्प्रिंग सीजन है उसमें ये ज़्यादा ब्लूम करते हैं तो ये हुआ सन फ्लावर उसी तरह आप समझ लीजिए जैसे कि कप कप क्या होता है जिसमें हम मतलब मिल्क पीते हैं चाय या कॉफ़ी आपके मम्मी पापा भी पीते हैं और उसके साथ हम जो कंबाइन करेंगे वो है बोर्ड तो बोर्ड जैसे कि ब्लैक बोर्ड या फिर नेम बोर्ड जो होते हैं उसको हम बोलते हैं बोर्ड तो जब हम जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो बनेगा कर्ड ठीक है तो इसी तरह इसको हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड जब हम दो वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग को जब कंबाइन करते हैं और उसको कंबाइन करने के बाद जब हमारे कुछ न्यू वर्ड्स या मीनिंग निकलते हैं उसको हम बोलते हैं कंबाइन वर्ड्स कंपाउंड वर्ड्स तो ये आप बच्चों को मतलब में में आ जाता है ये topic, में, आप जरूर ट्राई कीजिएगा कि बच्चों को इस तरह के एग्जाम्पल दे के समझाइए तो उनको भी बहुत ही अच्छे से इस कॉन्सेप्ट में समझ में आएगा फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम ले सकते हैं लाइक हाँ, सन सन अभी तो मैंने आपको बताया ग्लास जिसमें हम मिल्क पीते हैं तो सन ग्लास जब हम धूप में निकलते हैं कहीं पे तो हमारा तो हम क्या लगा के निकलते हैं सन ग्लास तो ये तो थे कुछ ट्रिक्स जो मैंने आपको बताया है कुछ टिप्स आपको बताए ताकि जब आप बच्चों को इस चीज़ के बारे में समझाओ तो आप बच्चों को इस तरह एकदम ब्रीफली अच्छे से उनको समझा सको फिर सेकेंडली ये आता है ये मेथड जाने के बाद आपको उनको इस तरह पिक्चर्स के साथ भी समझाना है क्योंकि जब तक पिक्चर्स के साथ आप नहीं समझाओगे तब तक तो मतलब बच्चों को थोड़ा सा फ़न वे में लेके भी समझाने से क्या होता है वो कॉन्सेप्ट को पूरी तरह क्लियर करते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे देखी रेन रेन बनाया है बो रेन बो तो जब हम इसको रेन को और वो को कंबाइन करते हैं तो क्या वर्ड निकलता है हमारा रेन बो उसी तरह सन फ्लावर सन फ्लावर उसी तरह फुट फुट उसी तरह फिर बॉल तो इसको जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या निकलता है हमारा फुट बॉल तो वन सेगेंड आई एम गोइंग टू टेल यू डैड वेन वी वैन यू कैन जॉइन टू वर्ड्स टू फॉर्म ए बिगर मीनिंगफुल वर्ड सच वर्ड्स आर कॉल्ड कंबाइंड वर्ड कंपाउंड वर्ड सो चिल्ड्रेन प्लीज़ आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा कि जब भी हम दो वर्ड के दो वर्ड दो डिफरेंट मीनिंग को जब कम्बाइन करते हैं और जब उसका न्यू मीनिंग निकलता है उसको हम बोलते हैं कम्पाउंड वर्ड तो आप ज़रूर पिक्चर्स के साथ रिकॉगनाइज करवाइएगा होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल हो हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू my चैनल फॉर my अपकमिंग videos तो ताकि आपके पास अच्छे से नोटिफिकेशन आ सके तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू channel चैनल थैंक यू बाय